लगता होगा यार कि नीट सिर्फ वैसे स्टूडेंट क्रैक कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ के जाते हैं, लेकिन यार मैं क्लियर में बता दूं कि जब से एनटीए आया है वो पेपर के लेवल को इजी कर दिया है। शायद ये चीज आपको भी पता चल गया होगा, अब वैसे स्टूडेंट भी नीट क्रैक कर सकते हैं जो नॉर्मल से स्टडी करके जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप यार ऑल इंडिया रैंक वन ला लो, मैं ये बोल रहा हूं कि यार आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा सकते हो, आपको ना पेपर समझदारी से अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इस वीडियो में बहुत डिटेल में आपको बता रहा हूं कि कैसे आप पेपर को समझदारी से अटेम्प्ट करोगे, कैसे आप उस एग्जाम को हैंडल करोगे, ताकि यार वैसे एवरेज स्टूडेंट भी मेरे जैसा जो यार पेपर को समझदारी से अटेंड करके पहले प्रयास में सिलेक्शन ले सकते हैं। सो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज शशि कुमार एंड करंटली आई एम अ सेकंड ईयर एमबीए स्टूडेंट। तो यार ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, शायद आपके पास बहुत कम समय हो सकता है, वीडियो थोड़ा सा लंबा चला जाए, मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, बट यार मैं इस वीडियो में वो सारे पॉइंट्स बताऊंगा जो गलतियां आपको नहीं करना है सेंटर पे एग्जाम हॉल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है आपके लिए, क्योंकि यार आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छा से कर लिया, लेकिन यार कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रखे थे लेकिन फिर भी एग्जाम सेंटर में ऐसा हो जाता है, एग्जाम हॉल में ऐसा हो जाता है जिसके वजह से उसका सिलेक्शन वो अपना 100% नहीं दे पाता और उसका सिलेक्शन नहीं होता, और ये केस मैं खुद देख चुका हूं। तो यार बहुत सारी बातें करना है इस वीडियो में। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि यार आप एग्जाम सेंटर पे जा रहे हो तो सबसे पहले चीज जो आपको नहीं करना है वो एग्जाम सेंटर पे कुछ भी नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं कि यार आप एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले जितना पढ़ सकते हो आप उस दिन भी पढ़ लो, लेकिन जितना पढ़ सकते हो एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले पढ़ लेना, एग्जाम सेंटर पे जाके नहीं पढ़ना। जब आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाओगे तो आप यार किसी अननोन पर्सन से वहां पे बात नहीं करना, क्योंकि अननोन पर्सन होंगे जो शायद आपको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। वो अननोन पर्सन चाहे यार आपका कितना भी अच्छा दोस्त ही क्यों ना, आप फिर भी आप एग्जाम सेंटर पे किसी से कोई कांटेक्ट नहीं करना। आप एग्जाम सेंटर पे जाना, एक ठंडा जगह खोजना जहां पे धूप ज्यादा ना आ रहा हो, वहां पे जाके आप किसी कोने में जाके बैठ जाना ताकि किसी को ना पता चले यार कि आप बहुत पढ़ के आए हो, आप इतना पढ़ के आए हो, ठीक है, किसी को कुछ महसूस नहीं होना चाहिए। आप बस जाना एग्जाम सेंटर पे, एक कोने में जाके खड़ा हो जाना। मैं अभी जो भी बताऊंगा ना ये मेरी खुद की स्टोरी होगी, सच में मेरी खुद की स्टोरी जो मैंने खुद किया था, कैसे कैसे मैंने किया उस चीज को मैं एक तरीके से आपको समझा रहा। एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको इंश्योर कर लेना है वो ये कि यार आप सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हो, लाइक एडमिट कार्ड आप लेके जा रहे हो, ठीक है, आप आधार कार्ड लेके जा रहे हो, आप कुछ मेटल्स वगैरह का कुछ पहन के नहीं जा रहे हो, प्रॉपर ड्रेस में आ रहे हो ताकि आपको एग्जाम से पहले एग्जाम के समय में सेंटर पे कोई रोके ना, कुछ टेंशन ना क्रिएट हो। तो यार आप प्रॉपर रूल्स को फॉलो करके ही जाना, फाइन। यार बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम सेंटर पे बहुत सारे बच्चों को डर लग जाता है यार कि ये उस बंदा एलन का स्टूडेंट है, इसने बहुत पढ़ रखा होगा, ये बंदा आकाश का स्टूडेंट है, इसने बहुत पढ़ रखा होगा, यार ये बंदा चश्मा लगाने वाला है, बहुत पढ़ रखा होगा। ये चीज मुझे हुआ था, मैं खुद के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि यार मुझे ऐसे लोगों से डर लगता था जो एलन का टी शर्ट में आ जाते थे, एलन का ड्रेस में आ जाते थे, आकाश का ड्रेस में आते, क्योंकि मैं एक नॉर्मल सा कोचिंग से पढ़ाई किया था, है ना, मुझे लेकिन बिलीव था कि मैं कर सकता हूँ, बट फिर भी यार कहीं कहीं होता ना कि थोड़ा सा डर लग जाता है। तो यार ये चीज आपको नहीं करना है कि आप दूसरे को देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है, है ना, आपको भी अपना बेस्ट देना है यहाँ। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है जो एग्जाम सेंटर पे आपको ये नहीं करना है कि यार आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि यार ये जो एग्जाम है ये एग्जाम मेरा लाइफ डिसाइड करेगा, ये एग्जाम ऐसा एग्जाम है जो जिसको मैं क्रैक नहीं करूंगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा, इसको इस एग्जाम को मैं क्रैक नहीं करूंगा तो मेरे मम्मी पापा ये सोचेंगे, मेरे दोस्त मजाक उड़ाएंगे, ये सब कुछ भी आपको एग्जाम सेंटर पे नहीं सोचना है, ठीक है। एग्जाम सेंटर पे आपको जितना हो सके आप खुद को पॉजिटिव रखना है, मैं आगे बात करता हूँ कि आपको एग्जाम हॉल में क्या करना है, बट एग्जाम सेंटर पे आपको खुद को पॉजिटिव रखना है। एग्जाम सेंटर पे थोड़ा सा पहले चले जाना बट यार पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहना कि आज मुझे फोड़ना है, बस ये नहीं सोचना कि यार अगर नहीं होगा तो क्या होगा, अगर पेपर टफ आ गया तो क्या होगा, ये सब नहीं। आपको पॉजिटिवली जाना है कि यार पेपर इजी आएगा, एनटीए कंडक्ट करवा रहा है तो पेपर 100% इजी ही आएगा। अब मान लो कि यार आप सेंटर पे इन कर गए, आप एग्जामिनेशन हॉल के पास पहुंच गए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने के जस्ट बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज करनी है कि आप एक बार जाके इंश्योर कर लो कि आपका रूम नंबर कौन सा है, आपका कौन सा सीट है। उसके बाद यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज करनी है कि आप एक बार जाओ, पानी पी लो, जो भी आपको टॉयलेट बाथरूम जो भी करना है, फेस धो लो, जो भी करना है फ्रेश हो जाओ एकदम अच्छे से, यार अगले 3 घंटा 20 मिनट आपको उठना नहीं है, है ना, तो आप अपने तरफ से पूरा फ्रेश होके जाओगे एग्जाम हॉल में। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाते हो तो थोड़ा थोड़ा आपके प्रेशर इंक्रीज होता है, तो यार ये जो समय होता है इस समय में आपको काम डाउन करना है, आप जितना हो सके आपको डाउन करना है। अब डाउन करेंगे कैसे भैया, तो ये चीज मैं खुद बता रहा हूं, जो मैं ट्रिक यूज किया था अपने समय में, मैं रियलिटी बता रहा हूं, यही ट्रिक मैंने यूज किया था जो शायद आपको हेल्प करेगा, वो ये कि यार आप अपने आंख को कुछ पल के लिए क्लोज कर लो और क्लोज करके यार सोचो कि आज वो दिन है जहां पे हम अपना बेस्ट देने जा रहे हैं, बस
मतलब सोचो यार कि आज मुझे वो सारे नेगेटिव्स नहीं करने हैं, मुझे कोई गलतियां नहीं करने, वैसे क्वेश्चन जैसे इजी क्वेश्चन आएंगे मुझे सावधानी से अटेम्प्ट करना होगा। मतलब छोटे छोटे स्ट्रेटजी आप बनाओ कि आप किस प्रकार से आज के पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होगे। मान लो अगर कोई टफ क्वेश्चन आ जाता है उससे कैसे लड़ोगे, तो आप छोटा छोटा स्ट्रेटजी आप उस समय आंख क्लोज करो, जस्ट क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड मेक योर ओन स्ट्रेटजी, है ना। छोटा छोटा स्ट्रेटजी आप बनाओ कि ऐसा आएगा तो आप कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि यार जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो आपके पास कुछ समय होता है एक्स्ट्रा, ठीक है, तो उस एक्स्ट्रा समय में आपको बस ये करना है, ये नहीं करना है कि यार बगल वाले स्टूडेंट का देख रहे हैं कि यार वो तो पढ़ के आया होगा, उससे बात करें भाई तुम पढ़ के आए हो क्या, तुम पढ़ के आए हो क्या यार, वो एलन क्या शायद वो पढ़ के आया होगा, ये सब चीज आपको नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, मुझे ही टोकने, जब मेरा एग्जाम हॉल में जब हम गए थे तो मुझे टोकने वाले बहुत लोग थे कि भाई तुम कौन से कोचिंग से पढ़ के आए हो, भाई तुम क्या पढ़ के आए हो, ऐसे बोलने वाले आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। तो यार ऐसे लोगों से आपको बचना है, ठीक है, बस बोल देना भाई कुछ भी नहीं पढ़ाई किए यार, पता नहीं क्या होगा, बस उसको दिखाने के लिए बोल दो। बट यार अंदर अंदर आप स्ट्रेटजी बनाते रहना कि आज मुझे ऐसे ऐसे पेपर अटेम्प्ट करना है, है ना। आपको किसी से बात नहीं करना है और आपको जो भी डिस्ट्रैक्टर्स होंगे उससे दूर रहना है और खुद पे बिलीव रखना कि आज मेरा बेस्ट जाएगा। और यार अब मान लो कि यार सब कुछ हो गया, अब कुछ देर में आपको ओएमआर सीट मिल गया, अब ये जो समय होता है ये भी बहुत क्रूशियल होता है जब आपको ओएमआर सीट मिलता है एंड आपको ओएमआर सीट फिलअप करना है। तो यार ओएमआर सीट के साथ साथ आपको एक पेन भी मिलेगा, तो इंश्योर करना कि वो पेन चल रहा है अच्छे से, नहीं उसका लोली जो होता है वो ऊपर वाला निब टूटा हुआ तो नहीं है, पेन ठीक ठाक है ना, तो ये सारा चीज इंश्योर कर लेना। अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो आप उसी समय बोलना इन्विजिलेटर को चेंज कर दो पेन को, वो चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ओएमआर सीट जैसे ही मिलेगा तो यार आपको एक चीज याद रखना है, याद करना है अपन भैया को, अपन भैया कुछ बोले थे, अब हम क्या बोल रहे हैं उस बात को याद रखना कि यार अपना एडमिट कार्ड निकालना, ओएमआर सीट निकालना, सबसे पहले क्या करना कि आपका जो एप्लीकेशन नंबर होगा वर्ड फॉर्म में, ठीक है, नंबर फॉर्म में, उस नंबर फॉर्म में पहले नंबर लिख देना अपने ओएमआर सीट पे, ध्यान से एक वर्ड देखना एक वर्ड लिखना, एक वर्ड देखना एक वर्ड लिखना मिला के, क्योंकि ओएमआर सीट वो चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं नीट के लिए, ठीक है। तो आपको एक एक वर्ड मिला मिला के ओएमआर सीट का पहले नंबर भर लेना, ठीक है, बाकी और भी जो भी चीज होगा नंबर जो भी रजिस्ट्रेशन सीट नंबर ऐसा कुछ लिखना होगा तो आप वो सब पहले भर लेना, ठीक है। अब बारी आई गोला बबल भरने की, तो बबल आपको ओएमआर सीट में से भरना, ऐसा नहीं कि एडमिट कार्ड में देख रहे हैं फिर बबल भर रहे, ये नहीं करना, इसमें क्या होता है आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। आप नंबर अच्छे से लिख लो ओएमआर सीट में, जो नंबर दिया हुआ वो अच्छे से लिख लो, फिर आप उसको देख देख के बबल करो, ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। नहीं तो कभी कभी होता है ना बहुत सारे बच्चे इसमें रिजेक्ट हो जाते हैं, जिस कोई एप्लीकेशन नंबर गलत लिख के आ गए, कोई रोल नंबर कुछ भी गलत लिख के आ गए, कोई मतलब कुछ ना कुछ गलतियां करके आते हैं ओएमआर सीट बबलिंग में, ठीक है। तो यार एक बार मुझे याद कर लेना उस समय कि अपन भैया ऐसे बताए थे कि पहले नंबर लिख लेना है फिर उसके बाद बाकी का काम करना है, ठीक है। तो ये ओएमआर शीट फिलिंग के समय में कर लेना। जब आप ओएमआर शीट फिल कर लेते हो तो आपको उस समय क्वेश्चंस खोलने की अलाउ नहीं रहती है, तो यार उस समय आपको एक चीज याद करना, अब आती है बारी हमारे गॉड की, उस समय यार एक बार बस भगवान से विश कर लेना ताकि तुम्हारा दिमाग ना पूरा कंट्रोल हो जाए। ये जो भी मैं बोल रहा हूँ यार मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, एक बार भगवान से विश कर लेना कि भगवान जी आज मुझे बस आज मुझे शांत रखना, आज मुझे काम डाउन रखना, क्योंकि आज मुझे सबसे ज्यादा शांति की जरूरत है। यार जस्ट क्लोज योर आइज एंड विश, है ना, कि आपका पेपर सच में बहुत बेस्ट जाएगा। जब आप खुद के दिमाग पे कंट्रोल कर लोगे ना तो आपका पेपर सच में बहुत बेस्ट जाएगा। आप नॉर्मल सी पढ़ाई करके भी आए हो ना तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओ, क्योंकि क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, क्वेश्चन वही आते हैं जो आप पढ़ के गए होते हो, बस दिक्कत आती है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो या फिर सिली मिस्टेक करके आते हो, यही सब कुछ करके आते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी पे, तो यार ये भी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करोगे। मैं एक चीज बता रहा हूं कि जिस प्रकार से आप पेपर मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट कर रहे थे उसी बेसिस पे आपको पेपर यहां भी अटेम्प्ट करना है। लाइक बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिक्स की प्रायोरिटी पहले रखते हैं, तो नो डाउट आप फिजिक्स भी पहले कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बायोलॉजी को पहले करते ताकि बायोलॉजी में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा तो उसके बाद कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो यार ये चीज भी आप कर सकते हो कि पहले आप बायोलॉजी अटेम्प्ट कर लो, है ना। मैं आपको चेंज करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप वही स्ट्रेटजी अपनाना जो आप पहले कर रहे थे, ठीक है, कुछ भी चेंज करने की कोशिश मत करना। अब देखो मैं बता रहा हूं कैसे करोगे, जैसे ही पेपर मिला आप पेपर खोलो, एक बार पेज पलट लो, एक बार पेज पलटो, देखो कि कौन कौन सा डायग्राम आपको दिख रहा है, वो सब डायग्राम को टिक मार के देना, टिक मार के देना, ठीक है। पेपर बस देखो एक बार, मन करे देख लो या फिर आप शुरू से अटेम्प्ट भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या किया था यार, जब मेरे को पेपर मिला था मैंने एक बार पेपर पलटा था और इंपॉर्टेंट डायग्राम जो इजी इजी क्वेश्चन दिखते हैं ना कि यार ये क्वेश्चन तो ऐसे ही याद, ये तो मैं आज ही पढ़ के आया, उसको टिक मार के आ जाओ। आइदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कोई भी हो, अगर ये आप किए हो पहले तो कर लेना, नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वो सब्जेक्ट को सबसे पहले अटेम्प्ट करना जो सबसे ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग है, जिसमें अगर क्वेश्चन आपसे नहीं भी बने तो आप डिमोटिवेट नहीं होगे। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनना, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने उसको राउंड कर देना,
जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने उसको राउंड कर देना और उसको स्किप कर देना, क्योंकि यार कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसी समय आपको ना ही फॉर्मुला अटैक करता है, या फिर हो सकता है बायोलॉजी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करें तो उसी समय कॉन्सेप्ट भी अटैक नहीं करता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आगे क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे होते हो ना तो यार उसी समय सडनली याद आता अच्छा उसका वो था, तो यार उस समय आपको ये चीज हेल्प करेगा। तो जो क्वेश्चन आपसे ना बने उसको राउंड कर देना। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताओ जो फिजिक्स में अपनाना यार, कि जब भी आप मान लो कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो जो सॉल्यूशन आप करोगे ना सॉल्यूशन वो प्रॉपर करना, ठीक है, प्रॉपर स्पेस लेके, छोटा सा स्पेस में लेकिन प्रॉपर दिखना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आप ये सॉल्यूशन कर रहे हो। क्योंकि यार देखो जब आप एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हो आधा सॉल्यूशन छोड़ दिए, दिख रहे अरे यार बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, इसको छोड़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं, आप दूसरे पे तो जंप कर जाते हैं, लेकिन यार जो पहला क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में टाइम लगा अगर आप उसी सॉल्यूशन को क्लियर वे में करते तो शायद आपको जब आप जब दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करने आता तो कम टाइम लगता है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि जब भी आप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना पेपर में तो थोड़ा क्लियर वे में करना, ताकि आप दोबारा उस क्वेश्चन पे आओ तो आपको समझ में आ जाए कि यार मैंने इतना कर रखा है, आगे और बस करना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान रखना इस चीज। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि यार अब मैं ऐसा देख रहा हूं कि नीट 2021 में मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, ठीक है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। बायोलॉजी में 17 क्वेश्चन आए थे मैच द फॉलोइंग, फिजिक्स में 3 और केमिस्ट्री में 3। तो ये जो मैच द फॉलोइंग होता है ना जिसको आप 100% करेक्ट कर सकते हो, 100% करेक्ट कर सकते हो। मेरी एक गलती हो गई थी जिसके वजह से मेरा केमिस्ट्री में 165 नंबर आया था, नहीं तो मेरा 170 आया था, क्योंकि यार मैंने एक मैच द फॉलोइंग गलती कर दिया था। मैच मैंने सही कर दिया बट ऑप्शन मारने में गलत कर दिया। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है, कोशिश करना है कि यार मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस 100% करेक्ट करके आए। और बस अपने आप को ना पेपर सॉल्व करते समय जितना हो सके शांत रखना, ठीक है, मतलब यार कोई भी क्वेश्चन अगर टफ आ जाए तो घबराना नहीं कि यार ऐसा मत सोचने लगा कि पूरा पेपर टफ है। यार देखो नीट में ऐसा होता है कि कभी कभी तुम्हें पहला क्वेश्चन ही टफ दिख जाएगा, दूसरा क्वेश्चन ही टफ दिख जाएगा, तो आपको इस चीज से घबराना नहीं, आप उसको राउंड करके आगे निकल जाओ। देख लो यार क्वेश्चन लेन दिए मेरे से नहीं बनेगा, राउंड कर दिया आगे निकल गए, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी अपनाना शायद बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो आई होप यार बहुत सारे बातें मैंने अभी की, अब ये जो बात है ये खुद की मेरी एक्सपीरियंस थी जो लास्ट के 3 आवर्स मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने अपने आप को कैसे हैंडल किया वो सारी बातें मैंने आपको बता दी है। बस आपके काम है कि यार आपका काम ये है कि इन सारे बातों को ध्यान रखना है ना, हो सके तो पेपर अटेम्प्ट करते समय एक बार मुझे याद करना कि अपन भैया ने ऐसे ऐसे बोला था। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना, और चैनल पे पहली बार आए तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, चलो मिलते हैं फिर।